आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने का प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, अगली कहानी जिसका शीर्षक है लंका में राक्षसी मंत्रणा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में तो अत्यंत भयावन घोर कर्म किया था। उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेले इस दुर्धनुषपुरी में घुस गया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर ली। सूचना मिली कि राम सहस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो ही हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु ना तो उन्हें नीति का ज्ञान था और ना ही वे शत्रु पक्ष के बलावल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त किया है। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या को आपको समर्पित कर दिया था। मधु नामक दैत्य को आपने जीत लिया है। आपके पुत्र मेघनाथ ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त दुर्गम वृद्दंत निकुम व्रज हनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उसने उत्साह वर्त सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हां में हां मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हां में हां मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम दान और भेद से सिद्ध ना हो सके उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, स्थिर बुद्धि व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करने के कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो स्थिर है और ना ही वह व्यथागत है। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते हैं कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं, लंका को भी विध्वस्त कर गया। इसे घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा ना किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण वाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्थान पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरी आपसे निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी लंका में राक्षसी मंत्रणा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।